की दृष्टि में लाए हैं। चार जिले थे जहां पर कोई केस नहीं आए थे, अब वह संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। 8 नए जिले ऐड हुए हैं, वह है चित्रदुर्ग कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, इम्फॉल वेस्ट मणिपुर में, आइजवाल वेस्ट मिजोरम में, भद्राद्री कोत्तागुड़म तेलंगाना में, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, SBS नगर पंजाब में और साउथ गोवा गोवा के अंदर। इसके साथ ही देश में 78 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। हमें हर संभव मिलकर यही कोशिश करनी है कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। इस स्थिति के अंदर देखें तो 33 नए जिले ऐड हुए हैं जो कि 9 स्टेट में ऐड हुए हैं जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। साथ ही माननीय राष्ट्रपति जी ने कल एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसके तहत एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 को अमेंड किया गया है। इस ऑर्डिनेंस को कहा है एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति हेल्थ केयर सर्विस प्रोफेशनल के अगेंस्ट वायलेंस के किसी भी एक्ट में इंडल्ज ना करे या एपिडेमिक के दौरान किसी भी प्रॉपर्टी को कोई भी लॉस या नुकसान ना पहुंचाए। अगर कोई भी व्यक्ति हेल्थ केयर सर्विस प्रोफेशनल के साथ वायलेंस कमिट करते हैं या तो उनको 3 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा दी जा सकती है। साथ ही 50,000 रुपये से लेकर 2,00,000 रुपये तक का फाइन भी उनके ऊपर लेवी किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर कोई किसी हेल्थ प्रोफेशनल को जो कि एपिडेमिक ड्यूटी में लगे हुए हैं उनके साथ कोई ग्रीवियस हर्ट अगर उनको देते हैं तो उसकी सजा बढ़कर 6 महीने से 7 साल तक हो सकती है और फाइन भी 1,00,000 रुपये से 5,00,000 रुपये तक उस पर लगाया जा सकता है। इस एक्ट के तहत किया हुआ कोई भी ऑफेंस कॉग्नाइजेबल है और नॉन बेलेबल रहेगा। जो भी पर्सन इस एक्ट के तहत कन्विक्ट किए जाएंगे उनको कंपेंसेशन भी पे करने के लिए वे लायबल होंगे और कंपेंसेशन जो हो सकता है वह जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी डैमेज प्रॉपर्टी की या जो लॉस उन्होंने कमिट किया है उसकी ट्वाइस द अमाउंट हो सकता है। मेरी आप सब लोगों से यही विनती है कि हमारे जितने भी कोविड योद्धा हैं हमें उनका सपोर्ट लेना है। हमें ये जानना चाहिए कि वह सब हमारे आदर और सम्मान का पात्र हैं। इसके साथ ही आरोग्य सेतु के बारे में हम विभिन्न माध्यमों के जरिए आपसे बात कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में मैं दिखाना चाहूँगा सेतु मेरा बॉडीगार्ड है और आपका भी। गुड मॉर्निंग सर। आप कौन? सर मैं आपका नया बॉडीगार्ड सेतु। सेतु? लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी बॉडीगार्ड्स हैं। सर मैं एक अलग टाइप का बॉडीगार्ड हूँ। कोरोना वायरस से आपकी बॉडी को सिर्फ सेतु ही गार्ड कर सकता है। कोरोना वायरस से? वो कैसे? सर वो ऐसे कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपको कोरोना वायरस से कोई खतरा तो नहीं। अच्छा, आपके आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव हो तो मैं आपको पहले ही अलर्ट कर देता हूँ। कंटिन्यू सर। और तो और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपसे आपके परिवार वालों को कोई खतरा तो नहीं। मुझसे मेरी फैमिली को क्या खतरा होगा यार? सर जानबूझ के थोड़ी, अगर अनजाने में आप किसी कोरोना पॉजिटिव इंसान के टच में आ गए तो मैं आपको फौरन अलर्ट कर दूंगा ताकि कहीं आप इस बीमारी को अपनी फैमिली तक ना पहुंचा दे। और ये सब सिर्फ मेरे लिए हुँ? सिर्फ आपके लिए ही नहीं सर, भारत सरकार ने मुझे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की रक्षा के लिए हर एक का पर्सनल बॉडीगार्ड बनाया है। अरे कहां गया? टेंशन मत लीजिए सर, हर वक्त आपके फोन में एक ऐप बनकर रहूंगा। आप भी आज और अभी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। सेतु मेरा बॉडीगार्ड है और आपका भी। टुडे वी आर ऑल्सो जॉइंड बाय मिस्टर सीके मिश्रा, डायरेक्टर ICMR एंड डायरेक्टर एम्स। आप सब लोगों को विदित है कि कोविड की इस लड़ाई में, इस महामारी के युद्ध में गवर्नमेंट की तरफ से 11 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए गए थे गाइडेंस के लिए और उसमें से एक ग्रुप ग्रुप नंबर 4-2 जिसका मुख्य कार्य है कि अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल्स, क्वारंटाइन और आइसोलेशन फैसिलिटीज, डिजीज सर्वेलेंस और टेस्टिंग के विषय में गाइडेंस देना, काम करना। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा सीके मिश्रा साहब से कि फर्दर हमें बताएं प्लीज। फ्रेंड्स, प्रतिदिन उस दिन की जो स्थिति होती है, जो प्रगति होती है, जो बदलाव आते हैं उसके संबंध में
मेरे कॉलीग्स लव अग्रवाल, पुण्या श्रीवास्तव, डॉक्टर गंगा आपको आंकड़ों से अवगत कराते हैं, स्थिति से अवगत कराते हैं और आप उसका विश्लेषण करते हैं। आज हम सब मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि आंकड़ों से थोड़ा अलग हटकर हम इस बात की चर्चा करें कि इस कोविड की लड़ाई में एक, हमारी रणनीति क्या है और दो, हमारी तैयारी क्या है। इन दो विषयों पर हम फोकस करना चाहेंगे। एज यू अवेयर, वी आर पासिंग थ्रू वेरी वेरी चैलेंजिंग टाइम्स। मेनी ऑफ द कंट्रीज विच आर नोन एज डेवलप्ड कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड विद फार मोर कैपेसिटीज एंड मच बेटर रिसोर्सेज देन अस आर ऑल्सो फेसिंग ह्यूज चैलेंज। ये पृष्ठभूमि है जिसमें इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और आज एक महत्वपूर्ण दिन है, आज लॉकडाउन के एक महीने पूरे हुए हैं। तो इस 30 दिनों में हम कहां थे, कहां पहुंचे हैं और हमने क्या तैयारी की है, इस पर संक्षेप में मैं आपके समक्ष सारी बातों को रखना चाहूंगा। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इश्यू इज व्हाट हैज दिस 30 डे लॉकडाउन डन। मुझे ये पूरा एहसास है कि दिस हैज ब्रॉट हार्डशिप टू मेनी पीपल, we must express our gratitude to all the people of India who are facing this hardship today so that we can save lives in future. aur hamara mool jo mantra hai wo hai ki hum zindagi kaise bachaye aur logon ko theek kaise kare. teen pramukh cheez hai jiski or main aapka dhyan aakrishit karna chahunga jo 30 dinon ke lockdown mein hue hain. pehla, we've been able to cut transmission, minimize spread and increase the doubling days, as Lav Agarwal has always been speaking to you. Second, we have been able to consistently ramp up our testing. And third, we have been able to utilize this time gainfully for preparing ourselves for the future if the virus spreads further. And anyway, whatever is required to be done, we will need to do. So there has been a lot of action during these 30 days. Hazaron log, na sirf hum jo Delhi mein baithe hue hain, field mein hazaron log is karya mein lage hue hain. Aur logon ne milkar, aur sarkar ne kai sare aise kadam uthaye hain, jisne ye sunishchit kiya hai ki in these 30 days, we remained more or less stable. And that is the first thing that I want to bring before you. And what one of the critical tools, ek ahem hathiyar jo humne isme istemal kiya hai, wo testing. Or when I say testing, it is RT-PCR testing, jo hume batata hai ki mareez ko bimari hai ya nahi hai. Ab agar hum testing ko dekhen, to main सिर्फ एक आंकड़ा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। 23 मार्च को हमने पूरे देश में 14,915 टेस्ट किए थे। ऑन द 22nd ऑफ अप्रैल वी हैव डन मोर देन 5 लाख टेस्ट। इफ यू डू अ रफ कैलकुलेशन, इट इज अबाउट 33 टाइम्स इन 30 डेज। बट we are conscious of the fact that this is not enough and we have to continuously go move ahead and ramp testing in this country. We will continue to do that. humne ye bhi dekha hai aur Shri Agarwal ne bhi bataya ki is avadhi mein hamare number of positive cases mein bhi badhotri hui hai aur hame us baat ko dhyan mein rakhna hai jab hum apni testing strategy banate hain ya hospital ki strategy banate hain. तो मैं संक्षेप में कुछ चीजें आपके समक्ष रखना चाहूंगा, सो दैट वी आर एबल टू अप्रिशिएट व्हाट इज हैपनिंग एंड ऑलवेज कीपिंग दिस एट द बैक ऑफ आवर माइंड दैट दिस मे नॉट बी एनफ एंड वी नीड टू कंटिन्यूअसली वर्क टू डू मोर एंड मोर ऑन दिस। लेट अस लुक एट दिस। दिस शोज द फिगर्स ऑफ
these 30 days and how the number of daily tests have gone up and how the new positives have gone up. So this is where we stand today, what we've been doing, and what we've been trying to achieve. Let us now move a little further on this and see how cases have moved in India. This is how the positive cases have moved in India. The only point that I would like to make here is that the growth has been more or less linear, not exponential. What that tells us is that there are certain strategies in work which has helped this be contained to a particular level. Now let us move on to see beyond this, what has been the story of positivity to testing during these 30 days. If you see this slide carefully, what it will really tell you is that during this period, we are more or less lagbhag hum usi jagah par hain jahan hum ek maah purv the, yani sthiti bahut bigdi nahi hai. Lagbhag 4%, 4.5% log jo test hue the wo positive nikle the ek maah pehle, aur abhi bhi लगभग वही स्थिति है कि जितने लोग टेस्ट हो रहे हैं उसमें से जो प्रतिशत पॉजिटिव हो रहे हैं लगभग वही हैं, यानी कि हम एक कांस्टेंट लाइन अगर आप इसको देखें तो वहां पर हैं। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं और हम ये देखने का प्रयास करें कि अन्य देशों की तुलना में हमारी क्या स्थिति है। इट्स अ रफ कंपैरिजन, देयर कैन बी नो वन टू वन कंपैरिजन, ईच कंट्री इज डिफरेंट एंड ईच कंट्री नीड्स अ डिफरेंट स्ट्रेटजी. But this is roughly a rough comparison that we have presented before you. What I would like to point at is this yellow line, if I can get my pointer there, right at the bottom. That is India's story. And we have deliberately taken a case of 400th case on 23rd of March. What was the position when each of these country had 400 cases and how they have moved beyond that? So this slide clearly tells us where we stand. And if you see, one of the countries which is, of course, done better is South Korea. But majority of the developed countries have had a story which is, it could be a combination of various things. This is not to say that we've done extremely well and things are going, but this is the current story. And based on this current story and the future projection, we need to evolve a strategy in this country. Let me also now just mention to you, while we are here on this slide, the fact that how has it happened in some of the other countries. So let me give you some numbers of that. If you look at the figures carefully, we are today at a 500,000 mark. 5 lakh टेस्ट हमने आज किए हैं. यूएस ने 5 लाख टेस्ट 26 मार्च को किया था. दे हैड फाउंड 80,000 केसेस टू बी पॉजिटिव. आई एम गिविंग यू रफ नंबर्स. इटली ने यह मार्क 31 मार्च को किया था एंड दे हैड 100,000 पीपल हुए पॉजिटिव, 1 लाख लोग थे. यूके में यह समय 20 अप्रैल को आया and they had 120,000 positives. Turkey mein ye samay 16 april ko aaya, they had 80,000 positives. India mein ye mark 22 april ko aaya aur hamare paas lagbhag 20,000 positive cases the. Kehne ka tatparya ye hai ki ek agar vaishvik tulna hum kare to we seem to be doing well so far with our strategy which is focused and very, very intensely focused on the areas where we see a lot of positivity and action happening. Of course, there are other countries which have done better. For example, South Korea has done better than this. So given these facts,
These actually, what do they show? These show that our testing strategy has been focused, targeted, and continues to expand. So that is the strategy. And this, I must say, is an evolving strategy. Because as we go on, we learn. Har din hum seekh rahe hain. Har din hum seekh rahe hain, apni strategy mein badlaav la rahe hain, aur isko expand karte ja rahe hain. Ab prashn ye hai ki humne ye jo expansion kiya testing ka, wo kaise hua? Only thing I would like to mention here is that strategy is a response to a challenge. As the challenge changes, strategy has to change. And this is precisely what India has done. As the challenge kept expanding, the strategy kept changing, the expansion kept happening, and we will continue to do this in future also. So what is it that we did? Some of the quick points that comes to mind is, and please let us remember that it takes huge number of people across the country to implement the strategy on the field. We are a very large nation, very populous nation. So what we have done largely is, A, expanded the testing base, B, expanded the test base where we test, and we have mobilized all resources that we have, public, private, resources of scientific institutions, resources of research institutions, resources of central university, every possible resource has been put together, and we have actually decentralized these activities to manage logistics in an efficient way. And when Professor Balram Bhargav speaks, he will give you the details of the gist that I have placed before you on how we have increased our testing strategy. So in these last 30 days, there has been a lot of activity. We have expanded our testing, which we will continue to do and bring it to a much higher level in the days to come. And we've used every possible tool as a strategy to move ahead on this. The second aspect that I wanted to speak to you is about the hospital preparations. This period has been very gainfully utilized to review, assess, and ramp up the hospital capacities. And it is happening not just at Delhi, it is happening in the states, it is happening in the districts. In fact, now our focus is districts. Of course, currently, as I speak today, our hospitals are not overwhelmed. But the preparation has to be of a much higher order, given some of the projections that we have, given some of the baseline data that we have, and given the fact that we have limitations in our health system somewhere which we need to correct and expand. And our effort has been, again, to use all resources and over-prepare. I will show you the figures in a while, but what is our first goal? As far as hospitalization is concerned, our first goal, hamara pehla prayas ye hai ki logon ko aspatal na aana pade. That is our first strong leg of strategy. How will that happen? Agar logon ko aspatal nahi lana hai, to jaisa maniye Pradhan Mantri ji ne bar bar desh ke samaksh rakha hai, distancing, social distancing, discipline, and taking care of the vulnerable. ये एक प्रमुख मुद्दा है कि जो इस जिसको इस संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो कोमॉर्बिडिटी वाले बुजुर्ग हैं, जो 60 साल की उम्र के ऊपर हैं, उनको कोमॉर्बिडिटी है, इस वर्ग को हमें सामाजिक रूप से सुनिश्चित करना है कि हम उसे सुरक्षित रखें. अनुशासन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम मेंटेन करेंगे, जिस तरह से लॉकडाउन की पीरियड में हमने किया है, तो हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि कम से कम लोग अस्पताल तक पहुंचे.
So this is our first goal, that let us reduce the numbers who need to come to the hospital. The second goal is, for every person who needs to come to the hospital, we will put enough infrastructure, enough facilities in place so that he is treated well, cured, and sent back. Our basic principle is test, cure, and ensure that mortality is very low. So, one of the things for those who need hospitalizations, we have worked out a strategy at the state and the district level. As I said, our focus is district, so that is where the entire action will happen. And every district in the country today, and we've been interacting with all of them, are day and night working towards preparing that. And let me give you a glimpse of that. This is how our structure will look like. A patient comes to our COVID care center. Assessment is made whether he needs to go up to a health center, or he needs to be retained there, isolated. Positive cases, non-positive cases, that triage will be there. So that is the point where it will be decided where do we take the patient. Isolation facility is the basic care that we are having. Then, if from there we need to carry someone to the second stage, ambulance services will be available to take him to the second stage, which is the dedicated COVID health center. The last two are actually hospital settings. The first could be a hospital setting, it could be a hotel, it could be a lodge, it could be a hostel, it could be anything. It's basically quarantine or isolation facility. But the last two are actually hospital settings. And the second setting that we are saying, where people with medical, clinical, moderate clinical symptoms will go, is a facility with oxygen. We've been talking for a long time on ICU care, ventilation, etc. But if you look at the patient profile today, the critical thing today is oxygen. And our entire hospital preparation now is focused on providing oxygen to those who need it, the patients who come to the hospital. So this second tier is very, very critical. Adhikansh logon ka ilaj yahi par hoga, aur hum ye prayas karenge unko chikitsakiya suvidha is tar pe aisi di jaye oxygen ke saath ki isi star se wo theek hokar ghar wapas aa sake. Yadi inme se kuch log ठीक नहीं होते हैं और उन्हें गहन चिकित्सा की आवश्यकता है, आईसीयू केयर की आवश्यकता है, तो उनको हम वैसे कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स में ले जाएंगे जहां आईसीयू केयर उपलब्ध हो. और आईसीयू केयर दो तरह का हो सकता है, इट कैन बी स्टैंड लोन आईसीयू, इट कैन बी विद वेंटिलेटर्स. जिसको जैसी आवश्यकता होगी वो हम करेंगे. तीनों स्टेज एक दूसरे से कनेक्टेड है, हम एक तरफ से दूसरी तरफ उनको ले जा पाएंगे. ये जो भी संरचना मैं बता रहा हूं, दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज अ डेडिकेटेड कोविड स्ट्रक्चर. देयर इज नो मिक्सिंग. पेशेंट्स हु डू नॉट हैव कोविड एंड नीड रेगुलर मेडिकल केयर विल बी ट्रीटेड एट अदर फैसिलिटीज. और हम इस बात का बहुत ध्यान रख रहे हैं जिलों की तैयारी में कि उन पेशेंट्स को दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो, क्योंकि उनको मेडिकल केयर की आवश्यकता है और उनको मेडिकल केयर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के बाहर दिया जाना है. तो आप यदि इसको देखें, जैसा मैंने कहा, पिछले एक माह की हम बात कर रहे हैं. इन द लास्ट वन मंथ द नंबर ऑफ डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स इंक्रीज 3.5 टाइम्स एंड दिस बार्स विल शो यू दैट. And the number of isolation beds has increased by 3.6 times since last month. What I am trying to refer to is that we have used these 30 days to prepare and make sure that in the event we need to cater to more and more patients, we are ready. Ye hamari taiyari hai,
प्रिपेयर्डनेस है। अब मैं इस अंतिम स्लाइड को आपके सामने रखना चाहूंगा जिसमें हम ये दिखाने के का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास अभी टोटल फैसिलिटीज हैं। कि मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये प्रतिदिन बदलता है, क्योंकि हर जिला निरंतर प्रयास कर रहा है और कितने बेड्स हैं वो बढ़ते जाते हैं और बेड जोड़ने के प्रयास चल रहे हैं। तो जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं, कोविड हेल्थ सेंटर्स हैं और कोविड केयर सेंटर्स हैं, उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। अभी हमारी स्थिति जो इसमें हमने दर्शाई है ये है 3773 ऐसे अस्पताल या फैसिलिटी हैं जिसको इसके लिए चिन्हित किया गया है। और अगर आप देखें तो टोटल आइसोलेशन बेड्स 1,94,000 हैं, उसी तरह आईसीयू बेड्स हैं, टोटल वेंटिलेटर्स जो आज की स्थिति में उपलब्ध हैं। संभव है कि व्हेन वी असेस इट अगेन टुनाइट द नंबर्स विल चेंज, इट विल इंक्रीज। दैट इज द एफर्ट दैट वी कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस एवरी डे। सो फ्रेंड्स, व्हाट अल्टीमेटली वी वॉन्ट टू डू इज दैट वी वॉन्ट टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर वेयर वी टेस्ट मोस्ट पीपल, ट्रीट देम अकॉर्डिंग टू नीड एंड देन इंश्योर दैट वी आर एबल टू क्योर देम एंड सेव लाइफ्स। सो दिस वॉज द रफ फॉर्मैट ऑफ अ स्ट्रैटेजी एंड प्रिपेयर्डनेस दैट आई थॉट वील शेयर विथ यू। आई विल नाउ रिक्वेस्ट आई कॉलीग प्रोफेसर बलराम भार्गव एंड इंसिडेंटली प्रोफेसर बलराम भार्गव एंड प्रोफेसर गुलेरिया आर द टू स्टॉलवर्ड्स हु हैव लेड दिस स्ट्रैटेजी, हु फॉर्म्ड दिस स्ट्रैटेजी एंड हु आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। एंड आई वुड रिक्वेस्ट प्रोफेसर बलराम भार्गव टू टॉक अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ टेस्टिंग। थैंक यू सो मच। आई थिंक एज वी रीच द हाफ मिलियन मार्क ऑफ टेस्ट, वी आवर फिलॉसफी हैज बीन more labs, more tests, more resources. At the beginning of the year, we had the National Institute of Virology. At the beginning of the lockdown, we had about 100 laboratories testing for COVID-19. And today, as we speak, we have 325 laboratories, both government and private, testing for COVID-19. The test that we have advocated has been the RT-PCR test, or the molecular test, or the PCR test, which detects the virus. So the strategy is to detect the virus and save lives. And once we are able to detect the virus, we are also able to further strategize on how to we isolate the patient and treat accordingly. So that has been the philosophy as far as we are concerned. The entire scientific and the medical community has risen to this occasion, and as CK has already mentioned, that all the DBT institutes, the ICMR institutes, the CSIR, the DST, the DRDO, the ICAR, the state universities, medical colleges, government, private, they have all responded dramatically, and also the private sector has been energetic and has risen to the occasion dramatically as well. The other point that I want to emphasize is that there has been a supply chain which has been created. Although there is a shortage of reagents, there is a shortage of RNA extraction kits, there is a shortage of VTMs, PCR kits, etc., in the entire world, but the center has been working with the states tirelessly to ensure that these reagents are supplied to the laboratories in a very timely fashion and in a very calibrated fashion, so as to enhance, divert certain reagents to hotspots, calibrate it in such a manner. And we really like to thank both the districts and the states who have responded phenomenally well in helping out with maintaining this supply chain very, very well. More importantly, we have also been able to decentralize it and create 15 depots in the whole country, wherein, in a situation of lockdown, we have been able to supply these reagents in those depots, and they in turn supply it to the various laboratories testing. So the gold standard remains
and has remained the RT-PCR tests, which detects the virus and saves lives, and that is what is our principle and strategy for testing. Thank you, Professor Bhargav. I must add that whatever efforts we are making, and we talk about resources available with us, we talk about the testing, we talk about hospitals, it is a collaborative effort with everyone joining in, the public, private, and whosoever is there in the country. This is all taken together. We are not mentioning them separately, but this is all taken together. And now I'd request Professor Guleria to explain other aspects of the medical side of this disease. Thank you, sir. To begin with, first, on behalf of the medical fraternity, I would like to take this opportunity to thank the Honorable Prime Minister and the Government of India for the ordinance that has been passed yesterday, which will go a long way in providing security and boosting the morale of our frontline soldiers, that is the Corona Warriors. All healthcare workers are really very grateful for this ordinance, and I think this is a great boost as far as they are concerned. But as we sort of applaud our healthcare workers, it's also important to understand that the center of all of this is the patients, and they are currently facing a lot of challenges and stigma which is not justified. The majority of patients are actually becoming all right and coming out, and these are actually our symbols of victory. They are symbols of hope that they have had COVID-19 and have come out, and yet we have stigmatized them to a large extent, which is creating a huge problem. It's creating a panic, it's creating problem as far as society is concerned. These individuals, these patients, their families are having a huge hardship, which are really unjustified. And not only that, it is actually causing increasing morbidity and mortality. Because of the stigma that is happening, many patients who have COVID-19 or have flu-like symptoms are not coming forward, not coming to healthcare facilities. And because of that, they are coming very late when they're really very breathless, and this is leading to higher mortality. Many of these patients can be saved by just one treatment, and that is by giving them oxygen. The simple thing to remember is that when these young individuals or these individuals have a pneumonia or they have a viral infection and their oxygen in the blood becomes low, it can lead to or trigger a number of other problems, whether it's cardiac, whether it's neurological, and therefore a strategy of having more and more oxygen beds is based on this. 80% of individuals will have mild illness. The remaining 15% will become all right just with supportive care and oxygen therapy. Less than 5% will need ventilators or critical care. So therefore, it's important that we reach out to these patients who are right now scared to come out because of the panic and the stigma that we have attached, and thereby not getting proper treatment. So I think we need to work on this. I would appeal to everyone, whether it's the media, whether it's the lay public, that these are people who, for an unfortunate reason, have got the infection. Consider the stress and strain the whole family goes through. You're isolated for 14 days in a quarantine facility where you are seeing people who are wearing PPEs and treating you. You're not able to meet your family members for 14 days because you are in quarantine or you're in isolation. Instead of sympathizing with these people, we have created an environment of fear and panic, which I think is really not justified. And we all need to work in trying to really look at these people as our symbol of hope and victory, rather than stigmatize them and start not accepting them in society. We have to work on this strategy, and I would like to appeal to everyone that we should look at how we can support the families and patients who have had COVID-19, who are suffering from COVID-19, and encourage more and more people to come out for testing. If you are tested early and reach the hospital early and treatment is started, it will save your life. If you don't come to the hospital and you have COVID-19 and you come in a state where you're gasping for breath, it will lead to higher mortality. Therefore, I think it's important that we encourage everyone
to seek medical attention, get themselves tested. We have ramped up testing to a large extent. There is no shortage of testing, and we can thereby be able to support all these people who need to be tested. So I would really stress that we need to work on this. As far as treatment is concerned, a lot of new things are being done, but the primary treatment of COVID-19 is supportive treatment in more than 80% of patients, and oxygen therapy in around 15% of patients with other drugs, and a lot of drugs have been tried. We have now started in various centers using convalescent plasma, that is the blood of patients who have healed and become all right and the antibodies in their blood. And I'm very heartened to see that a large number of individuals, patients who have become all right, have come forward and volunteered to donate their blood, which shows the commitment that our citizens have when it comes to fighting COVID-19. We're also looking at newer drugs. Hydroxychloroquine and azithromycin is already being looked at, and various other repurposed drugs which are already available in our country are also being looked at as treatment strategies. And newer drugs which are available or which are undergoing clinical trials are also being looked at as part of multicentric trials or international trials which the WHO is conducting. So there is hope as far as treatment is concerned, but I think at the end it's important to remember that this is still a disease which is not that serious. 90 to 95% of people recover, but if we have that stigma and we don't come forward, then we may land up in a situation where, because of our delay in treatment, we may have higher mortality. So that is, I think, a very, very important thing that we need to keep in mind. Thank you very much, sir. Sir, after the detailed briefing, as well as our preparedness and the strategy, I'm thankful to all of the members here. But still, we can take one or two questions, sir, if the time permits. First is online question. What's happening with IMCT in Maharashtra? Is it okay? What's happening with IMCT in Maharashtra? What is IMCT assessment of Maharashtra? Has any team submitted the report? जैसे कि आप लोगों को मालूम है, जब हम किसी भी स्टेट में केस नोटिस करते हैं, तो स्टेट से कोलैबोरेटिव एफर्ट में हम लोग काम करते हैं. उसी के तहत ही एक सेंट्रल रैपिड रेस्पॉन्स टीम मुंबई भी गई. उसके साथ ही हमारी दो सेंट्रल टीम्स ऑलरेडी वहां पर काम कर रही हैं. एंड एज पार्ट ऑफ आर डिस्कशन विद द स्टेट, वी रियलाइज कि हम लोगों ने डिफरेंट सिनेरियोज आपस में डिस्कस किए. उन सिनेरियोज को डिस्कस करते हुए कि किस टाइप की प्रिपरेटरी एक्टिविटी, बेस्ट केस सिनेरियो, एवरेज सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो में हमें कैसे प्रिपेयर रहना है, उसके तहत डिस्कशन करते हुए स्टेट के साथ मिलकर एक फील्ड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी बनाई गई है, जो ऑनगोइंग एफर्ट्स उनको स्ट्रेंथन किया जा रहा है. मिस्टर मृगांक प्रभाकर, सारा टीवी. सर, मेरा सवाल आईसीएमआर से है. अभी मैं ग्राफ देख रहा था और लीनियर ग्राफ की बात हुई है, लेकिन पिछले 4-5 दिन से 1214 से लगभग पेशेंट आ रहे हैं. आपको लगता है कि 3 मई तक पीक आ जाएगा इंडिया के अंदर? ये तो बहुत डिफिकल्ट सवाल है बताना कि 3 मई तक पीक आएगा कि कब पीक आएगा. मगर ये हम लोग का काफ़ी स्टेबल चल रहा है, और जैसे कि बताया है कि 4.5% पॉजिटिविटी आ रही है, वही बिल्कुल स्ट्रेटी टाइप की लाइन चल रही है. तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हम लोग कर्व को फ्लैटन कर पाए हैं, ये भी सोच सकते हैं. तो अभी इस पे कहना बड़ा मुश्किल है. लास्ट क्वेश्चन, मिस्टर नितेंद्र सिंह. सर, मेरा दो क्वेश्चन है. एक तो डॉक्टर गुलेरिया यहाँ पे हैं. बहुत लोगों का, देश के करोड़ों के, एक क्वेश्चन है कि नॉन कोविड पेशेंट का क्या करें. बहुत से सीरियस मरीज आते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम, चाहे वो कैंसर की हो, डायबिटीज़ का हो, या फिर बहुत सारे ऐसे डिजीज बर्डन ऑलरेडी इंडिया में इतना है, तो वो क्या करें. सेकंड आईसीएमआर से क्वेश्चन है कि क्या वायरस एयर में है, या उसकी किस तरह की बिहेव है, कितना डिस्टेंस पे लोग मेंटेन करें. ये नए तरीके से लोग जानना चाहते हैं कि इस पे थोड़ा एक्सप्लेन करा जाए. थैंक यू. आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस कोविड के एरा में हमें नॉन कोविड पेशेंट को नहीं भूलना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है कि उनका पूरा ध्यान रखा जाए. कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कैंसर है, जिनकी कीमोथेरेपी की बात है, डायलिसिस की ज़रूरत है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं या डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं. तो ये
प्रयास पूरी तरह से किया जा रहा है कि जब हम कोविड पे फोकस कर रहे हैं और जैसे सेक्रेटरी साहब ने भी कहा कि नॉन कोविड फैसिलिटीज़ के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है, कई हॉस्पिटल्स ने टेली कंसल्टेशन और शुरू कर दिया है जिससे हम लॉकडाउन के दौरान भी इन पेशेंट्स को रीच आउट कर सकें, उनको फ़ोन कर पाएँ और उनसे उनके सपोर्ट कर पाएँ। कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो नॉन कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बने हैं जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, और मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे हम आगे चलेंगे लॉकडाउन के उठने के बाद भी, तो हमें ये दोनों चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेंगी, कोविड सेंटर्स और नॉन कोविड सेंटर्स, जहाँ पे हम पूरी तरह से इन लोगों का केयर प्रोवाइड कर पाएँ और इन दोनों को मिक्स ना करें, जिससे जो ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं या जिनको कोविड के रिस्क सिवियर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं वो अलग रहें और कोविड वाले जो हैं वो अलग से रहें। लेकिन ये आपकी बात सही है कि इसमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो नॉन कोविड हैं वो सफ़र ना करें, उनकी मोर्टैलिटी ना बढ़े। ये आपने जो कहा कि वायरस कितनी दूर तक रह सकता है, इसके लिए ये बहुत क्लियर माना जाता है कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और 1 से 2 मीटर की दूरी रखनी चाहिए कि जिसमें ड्रॉपलेट ना आए। दैट इज़ स्टैंडर्ड एंड दैट इज़ व्हाट इज़ सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग जिसको आप कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।